हेलो गाइस, वेलकम टू दिस। तो गाइस, आप लोगों के लिए आज काफी बड़ी खुशखबरी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा नोट देना चाहूंगा कि कोरोना वायरस के चलते में अगर आप बोर हो रहे हो घर पे, आपको कोई भी अपडेट नहीं पता चल रहे हैं, तो आप फॉलो करिए मेरे सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे कि आपको सारे अपडेट पहले ही पता चल जाए। और कोई अपडेट अच्छा होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, जैसे कि आज का ये वाला वीडियो। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपने हॉब एंड शॉ देखी है मूवी, तो इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म करा है रॉक ने, यानी कि ड्वेन जॉनसन ने, जो कि इस मूवी के मेन किरदार हैं, और जेसन सार्टन जो कि सेकंड लीड और सपोर्टिंग एक्टर हैं, उन्होंने भी काफी कमाल का काम करा था। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि इस यूनिवर्स का सेकंड पार्ट भी आएगा, और हो सकता है कि शायद फास्ट एंड फ्यूरियस के बाद ये सेकंड यूनिवर्स होगा, क्योंकि इसके कंटिन्यूस पार्ट आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और ड्वेन जॉनसन ने क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे और इसके ऊपर ऑफिशियली यूनिवर्स में काम चल रहा है। जी हाँ, यूनिवर्सल में। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर, कैसी स्टोरी होती है, क्योंकि एंडिंग में जो सीन था ना, वो एक छोटा सा माइक पर और वॉइस रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया था, यानी कि विलन और कोई था एक्चुअल में। तो देखते हैं क्या होता है सेकंड पार्ट में, और ये फास्ट एंड फ्यूरियस से आगे जाके कैसे जुड़ती है मूवी। तो मैं तो गाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर ब्लैक एडम के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।